कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रियंका ने रोजगार, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और कहा कि यह यात्रा जनता की समस्याओं को सुनने के लिए शुरू की गई थी। वहीं उन्होंने कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटियों को दोहराया, जिनमें 25 लाख का गरीबों को स्वास्थ्य बीमा, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण आदि शामिल हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की भी बात कही। देखिए, देश के बारे में और आपके क्षेत्र के बारे में कुछ बातें करनी है तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे अमेठी क्षेत्र में आपने एक राजनीतिक सभ्यता स्थापित की, आपने ही की। ये आपकी जागरूकता थी कि बार बार आपने मेरे पिताजी, मेरी माताजी को जिताया। जिस आधार पर आपने जिताया वह यही था कि यहाँ पे आपके लिए उन्होंने निष्ठा से सेवा की। आपने देखा कि पिताजी के कार्यकाल में अमेठी कितना बदला, और आपने यहाँ स्थापना की थी इस राजनीति की कि यहाँ बड़े से बड़े पद पर आसीन देश के प्रधानमंत्री आ सकते थे। ये स्थापित की आपने राजनीति कि नेता जवाबदेह बना आपके प्रति, चाहे प्रधानमंत्री ही हो। अगर आपके यहाँ आते थे तो बगैर घबराए आप बोल देते थे कि देखिए मेरे बिजली का खंभा आपने लगवा लिया, इसमें तार नहीं लगाया, इस बार वोट नहीं देंगे। तो सच्चाई ये है, आपका संघर्ष है, सच्चाई आपका जीवन है, और कोई सच्चाई नहीं है इस देश में। सच्चाई इस देश का किसान है जो रोज खून पसीना अपना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी कमाई नहीं हो रही है। सच्चाई मेरी बहनें हैं जो कुछ भी कर लें महंगाई का सामना नहीं कर पा रही हैं। सच्चाई इस देश का नौजवान है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षित है। वहाँ आपके सांसद जिनको आपने हराया मेरे भाई, 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं पैदल, रोज 4 महीनों के लिए चले। क्यों? आप सबसे मिलने के लिए, ये सुनने के लिए कि देशवासियों की क्या समस्याएं हैं, क्या दुख हैं, किस तरह से हमारी पार्टी इनको दूर कर सकती है। तो ये फर्क है नेताओं में, और ये विचारधारा की फर्क है, और ये एक राजनीतिक सभ्यता की फर्क है, और आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। आज कांग्रेस पार्टी आपके लिए कुछ गारंटी लाई है, मैं अभी बताऊंगी कि क्या है ये गारंटी। हम कह रहे हैं हमारी केंद्र में इस चुनाव में सरकार आएगी तो हम 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा सब गरीब परिवारों को देंगे। ये काम हमने राजस्थान में किया। बहनों के लिए हमने तय किया है कि 1 लाख रुपए सालाना हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में डालेंगे। हर महीने 8500 रुपए आपके खाते में आएंगे, और महिलाओं के लिए 50% सारे सरकारी जो रोजगार है वो महिलाओं को मिलेंगे। तो जो पहले से आरक्षण है, मतलब ओबीसी एससी जो आरक्षण है वो रहेंगे, उनके अंदर अंदर ओबीसी महिला एससी महिला को 50% रोजगार देंगे। नौजवानों के लिए, आप स्नातक पास होंगे तो आपके लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे जिससे आपको बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों में अप्रेंटिसशिप मिलेगी और आपकी पहली नौकरी पक्की हो जाएगी। 1 लाख रुपए सालाना आप कमा लेंगे। आपके लिए 5000 करोड़ का फंड निकालेंगे ताकि आप अपना कारोबार शुरू करना चाहें तो कर पाएंगे, उससे सुविधा मिलेगी। किसानों के लिए आपके सारे सामान जीएसटी से मुक्त कर देंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा। हम न्याय देना चाहते हैं। अपना वोट अपने भविष्य को मजबूत करने का होता है, अपने लोकतंत्र, अपने संविधान को मजबूत करने का होता है, इससे आप ही का भविष्य बनेगा। अब यहाँ किशोरीलाल शर्मा जी आपके प्रत्याशी हैं, इनको 40 सालों से इन्होंने सेवा ही की है अमेठी की। गांव गांव को जानते हैं, आप किसी भी सड़क पे ले जाओ बता देंगे कि कब बनी, किसने बनाई, कहाँ पे टूटी थी, किधर मरम्मत हुई और कहाँ पे अभी फिर भी ठीक करनी है।
तो समस्या हल कैसे करनी है वो भी जानते हैं, आपके बीच घुल मिलते हैं, आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो आपकी समस्याओं को भी समझते हैं। और फिर इन्होंने हमारे जैसे राजनीति के बारे में हमारे पिताजी से सीखा, एक सभ्यता रही है हम सब की कि हम आपकी श्रद्धा करते हैं और इनकी भी है। तो इनको भारी से भारी बहुमत से जिताइए, यहां से एक बार फिर वही पुरानी राजनीति जो सच्चाई की राजनीति थी, सेवा की राजनीति थी, वही वापस लाइए और अपनी खुद की तरक्की करिए। राष्ट्र सर्वप्रथम